ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। तलाक तलाक तलाक, ट्रिपल तलाक कानून पास होते ही पहला FIR दाखिल हुआ है मुमरा में। ट्रिपल तलाक के खिलाफ पूरे देश में चर्चा चल रही है, गलियों में, नाके नुक्कड़ पर, टीवी चैनलों से लेकर सांसद तक। ट्रिपल तलाक का मुद्दा गरमाया हुआ है जिसका कानून भी पास हो गया है। पहला FIR ठाणे जिले के मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। व्हाट्सएप पर तीन बार तलाक तलाक बोल दिया, यही नहीं बल्कि फोन पर भी तीन तलाक बोल दिया था। मुमरा पुलिस स्टेशन में जैसे ही शिकायत दर्ज हुई, शहर में हंगामा मच गया। ट्रिपल तलाक बिल पास होने के बाद पहला मामला मुमरा से सामने आया है। जिस महिला का तलाक हुआ है उसका नाम जन्नत बेगम है और उसके पति का नाम इम्तियाज पटेल है। ये महिला मुमरा के दारुल फला मस्जिद के पास रहती है। मुमरा पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुस्लिम महिला सुरक्षा के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं इस महिला ने अपनी सास और ननद के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। महिला को तलाक 30 नवंबर 2018 को मैसेज और कॉल के जरिए दिया गया था। जन्नत बेगम का कहना है कि उसकी शादी 2015 में इम्तियाज पटेल नाम के व्यक्ति से हुई थी। उसके बाद वो दुबई चला गया था। वहाँ से आने के बाद पिछले 3 साल से वो खर्च भी नहीं संभालता था। महिला ने बताया कि घड़ी घड़ी प्रताड़ित किया जा रहा था और जबकि महिला प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद भी खर्च नहीं दिया गया और महिला को दिमागी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा था। यही नहीं महिला से मायके से भी पैसे और गहने लाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इस पूरी घटना पर पीड़िता ने क्या कुछ बताया है और मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ ने क्या जानकारी दी है। मैं एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक बोला था एक ही साथ 13 नवंबर 2018 में, और जब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी उस वक्त उन्होंने मुझे ट्रिपल तलाक बोला था, वो भी फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया हुआ था। तो मैंने ये एलिगेशन डाला हुआ था ACP DCP पे, तभी ये अध्यादेश आया था। तो ये लोग ने कोई एक्शन नहीं लिया था। तो अभी लोकसभा से जो बिल पास हो गया है तो मुझे पता चला कि बिल पास हुआ है तो औरत शरीयत करके खेरवाड़ी में एक NGO है, वहाँ से मुझे कॉल आया कि ऐसा हो गया। तो कल के शाम में हम लोग ये थाना में ACP DCP है वो उनके पास गए थे, तो उन्होंने मुझे तुरंत ही मुमरा पुलिस स्टेशन में भेजा और इधर मेरा FIR दर्ज हुआ है मेरे हस्बैंड के खिलाफ जो ट्रिपल तलाक का है वो। तो मैं ये इसलिए बोलना चाहती हूँ कि मैं कुरान के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट कुरान भी तरीका बताती है तलाक देने का, तो वो तरीका फॉलो करो। और रही बात ट्रिपल तलाक का, एक साथ तलाक दे के तुम कोई भी औरत को बीच के रास्ते पे छोड़ नहीं सकते। जैसे मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे माँ बाप सपोर्ट किए मुझे, अगर कोई और होती जिनके माँ बाप नहीं होते वो औरत कहाँ जाती। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो औरतें परेशान हैं, जेन्यून रीज़न है तुम्हारे पास कि तुम उसके फाइट कर सकते हो तो फाइट करो। मैं जब मेरे ससुराल में, मेरे 2015 में शादी हुई, मैं मेरे ससुराल में रह रही थी, एक साल मैं मेरे ससुराल में थी, ननद और सास का थोड़ा बहुत टॉर्चर रहता था। फिर 2016 में जब मेरे शौहर अबू धाबी से आए तो मैं मेरी माँ के यहाँ आ गई, झगड़ा हुआ था तो कुछ मैं मेरे माँ के यहाँ आ गई। माँ के आने के बाद फिर मैं मेरे माँ के यहाँ ही रह रही थी। 2017 में मेरा शौहर अबू धाबी से कैंसिल करके इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद वो भी मेरे साथ मेरे मम्मी के घर ही रह रहा था। तो रहने के बाद उसका ऐसा था कि हर बार दागिना मांगना, पैसा मांगना, उसके अलावा उसका एक्स्ट्रा मैरिटल FIR भी था, मतलब तीसरी, दो बीवी होने के बाद तीसरा FIR भी था उसका। तो वो FIR होने के बाद मेरे मम्मी डैडी मुझे समझाते थे कि बेटा सब्र करो, नहीं सब ठीक हो जाएगा, बट वो सुधरने में था ही नहीं। तो वो बार बार मुझसे पैसे की और दागिने की डिमांड करता था और लास्ट उसने फाइनली हद पार कर दिया कि उसने मुझे, मतलब ऐसे बातचीत में उसने मुझे गाली गलौज देने लगा फ़ोन पे। उस वक्त मेरे डैडी सुन रहे थे तो मेरे डैडी ने एक ही लाइन का, बेटा तू सही मर्द का बच्चा ना तो सामने आके जो भी बातें कर ले, छोड़ने छाड़ने की बातें सामने आके कर ले। तो उसने मुझे गाली दिया, डैडी ने उनको गाली, दोनों ये हुई। तो उसमें मुझे उसने 3 बार तलाक बोल दिया और पैसे ना देने वजह से और ये सब FIR, ये सब जो चीज़ें, ये सब चीज़ों के उसने गुस्सा सीधा मेरे ऊपर उतार दिया 3 बार तलाक बोल के। ओरली भी तलाक बोला है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी तलाक बोला है। कल दिनांक 1/8/19 को कौसा मुमरा की रहने वाली एक कंप्लेनेंट ने हमारे पास कंप्लेंट दायर किया है। उसके मुताबिक पुलिस स्टेशन मुमरा में कलम 406, 498
34 भादवी स मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण कायदा कलम 4 के मुताबिक गुना दाखिल किया हुआ है। उसने कंप्लेंट दिया है कि उसका शादी के बाद में कंटिन्यू 3 साल तक उसका हस्बैंड, उसकी सास और उसके नाना ने उसको तकलीफ दिया है और उसके मम्मी डैडी से पैसे लाने को बार बार मजबूर किया है, उसको मारपीट भी किया है। उसके बाद में उसको उसके पति ने फोन पे और व्हाट्सएप मैसेज से तलाक 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 करके उसको तलाक दिया हुआ है। ये कंप्लेंट के बाद में गुना दाखिल किया है, आगे का तपास चालू है। बहरहाल इस मामले में मुंब्रा पुलिस ने पति और सास ननद पर FIR दर्ज की है, जिसमें 498A, 406, 34 और मुस्लिम महिला संरक्षण कायदा 4 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं महिला का कहना है कि जिस तरह से उसे प्रताड़ित किया गया और पैसे गहनों की मांग की गई और उसे 3 तलाक दे दिया गया, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी 3 तलाक देने से पहले 100 बार सोचे। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।